खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब लगातार मांगा जा रहा है लेकिन मौन धारण है। जब पूछा जाता है कि 1900 वेंटिलेटर प्रदेश को दिए, सभी ने स्वागत किया, लेकिन जब इन्हीं वेंटिलेटर्स की सांसें अटकी तो फिर सवाल किया, पूछा कि किसी का मॉनिटर, किसी का डिस्प्ले सॉफ्टवेयर, किसी की कंप्रेसर में दिक्कत आई तो सही कौन करेगा? जवाब नहीं मिला। पता चला कि जिस भारत इलेक्ट्रिकल्स कंपनी ने 1500 वेंटिलेटर बनाए, राजस्थान भेजे, उसने मेंटेनेंस का काम दूसरी कंपनी को थमा दिया। उस कंपनी ने 11 इंजीनियर्स लगाए, राजस्थान सिर्फ 5 आए, 6 कहां गए कोई नहीं जानता। जो आए वो कितना जानते हैं ये भी कोई नहीं जानता। अब बात वैक्सीनेशन की करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल में जो वैक्सीन देश में प्रतिदिन 42 लाख लग रही थी, वो अब 16 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। राजस्थान में जो वैक्सीन 5 लाख प्रतिदिन लग रही थी, वो 1 लाख के आसपास लग रही है। वैक्सीन बढ़ाने के दौर में वैक्सीन घट कैसे गई? जब ये सवाल पूछा गया, जवाब इसका भी नहीं मिला। अब बात ग्लोबल टेंडर की करते हैं। प्रदेशों के साथ कोई टेंडर करने को विदेशी कंपनी तैयार नहीं, और केंद्र टेंडर क्यों नहीं कर रहा, इस सवाल का भी जवाब नहीं मिला। अब प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है कि केंद्र अगर किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं देगा, जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तो भला प्रदेश अकेले क्या करेंगे और किसके भरोसे है राजस्थान? सच्चाई यह भी है कि राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी केंद्र की है, जबकि यह कह दिया गया है कि राज्य अपने स्तर पर खरीद कर सकते हैं। वेंटिलेटर अगर सही नहीं, कंपनी काम नहीं कर रही, तो जवाब लेने की जिम्मेदारी केंद्र की है। और अगर विदेशी कंपनियां प्रदेशों के साथ टेंडर नहीं कर रही, तो मध्यस्थता निभाने या फिर केंद्र के जरिए टेंडर निकालने की जिम्मेदारी केंद्र की है। ऐसे में केंद्र क्या क्या कर रहा है और राजस्थान बिना केंद्र के क्या कर सकता है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएस राठौर जी। हमारे साथ मौजूद है संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी। मुकेश पारिक जी, सर एक एक करके मैं 3 सवाल करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसका सीधा और कम शब्दों में जवाब देंगे। अप्रैल के अंदर अगर देश में 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन के टीके लग सकते हैं, तो वो आज की तारीख में 16 लाख क्यों लग रहे हैं? इसका कोई सही जवाब है सर? देखिए, देश में जब ये कोरोना की महामारी आई और वैक्सीन का जब यहाँ पर निर्माण हुआ, वैक्सीन आई, तो प्रारंभ में वैक्सीन की जो गति थी, वो गति के तुलना में जो लोगों में जागरूकता थी टीका लगवाने के प्रति, वो बहुत कम थी। अब पब्लिक में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है और ये जागरूकता बढ़ने के कारण पूरे देश में वैक्सीन की डिमांड आई है, और देश में नहीं विदेशों में भी वैक्सीन गई है। केंद्र सरकार की तरफ से अब जो व्यवस्थाएं की गई है, मैंने आपसे कहा था सर, इसलिए मैंने प्रोग्राम शुरू करते ही आपको कहा था कि मैं कब शब्दों में सीधा सवाल का जवाब चाहूंगा। अगर एक दिन में 42 लाख वैक्सीन अप्रैल में लग रही थी, वो कम होके 16 लाख कैसे हो गई? अगर 16 लाख को मैं 3 से गुना करूंगा तो ये लगभग 4 करोड़ 80 लाख होगी। उत्पादन क्षमता 8 करोड़ है, बाकी वैक्सीन कहाँ है? सप्लाई जो है कंपनियों की सप्लाई के कारण हुआ है, और जुलाई में 8 कंपनियां लगभग और आने की संभावना है, तो ऐसा लगता है कि जुलाई के बाद। मैं आपको आपसे वर्तमान की बात कर रहा हूँ, आप मुझे भविष्य की उम्मीदें दिखाने लग रहे हैं सर। दूसरा सवाल करता हूँ 11 इंजीनियर्स राजस्थान आने थे वेंटिलेटर्स को सही करने के लिए, 5 आए, 6 कहां गायब हो गए सर? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, आप जिस तरीके से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, 1900 वेंटिलेटर्स जब आए थे तो क्या राजस्थान सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी कि राजस्थान सरकार उन वेंटिलेटर्स को खोलती तो सही? वो पैक ही रहे हैं। आप देखिए 1500 जो वेंटिलेटर्स है उनकी तो पेटी नहीं खोली गई, 1500 वैक्सीन वेंटिलेटर तो पैक है,
और आपने जो सर अगर कोई इंस्टॉल करने नहीं आएगा तो पैकिंग में ही रहेगा ना, आपको तो इतनी भी जानकारी होगी सर, ये तो वेंटिलेटर है। अगर फ्रिज भी घर में आता है मुकेश जी, अगर फ्रिज भी आप लेके आते हैं तो कंपनी का बंदा आता है उसको इंस्टॉल करने के लिए, ये वेंटिलेटर है। इतने दिन से कहां थे? देखिए विजेंद्र जी, अगर आपको प्रश्न पूछना है तो उसके दोनों पहलू देखने होंगे। आप इसमें इस बात को नहीं छुपा सकते कि इसमें राजस्थान सरकार की गलती नहीं है। राजस्थान सरकार अगर इसको समय पर देख, अरे सर मैं कह रहा हूँ पूरी गलती राजस्थान की, तो केंद्र सरकार ने डंडा क्यों नहीं चलाया कि हमने 1900 वेंटिलेटर दिए, इनको चालू क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार ने 1900 वेंटिलेटर्स दिए राजस्थान सरकार को, तो क्या राजस्थान सरकार की जिम्मेवारी ये नहीं थी कि उनको खोल के अस्पतालों में लगाया जाता, उनको चेक किया जाता, उनमें कुछ कमी थी छोटी मोटी? तो मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूँ, मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ, तो केंद्र के वो पत्र दिखा दीजिए जिसमें राजस्थान सरकार को दोषी ठहराया हो कि हमने वेंटिलेटर दिए और आपने चलाए क्यों नहीं, इसका जवाब दीजिए। केंद्र सरकार, ये जिम्मेवारी किसकी है हेल्थ की? क्या राजस्थान सरकार पे ये भी वॉच करना? अच्छा, केंद्र की ये भी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मैं तीसरे सवाल पर आ रहा हूँ, मैं तीसरे सवाल पर आ रहा हूँ, मुझे बताइए, अगर प्रदेशों के साथ ग्लोबल टेंडर विदेशी कंपनियां नहीं कर रही, क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं कि मध्यस्थता करे या केंद्र के जरिए टेंडर हो, ये जिम्मेदारी नहीं बनती केंद्र की? आज राजस्थान वैक्सीनेशन पे देश में दूसरे नंबर पे इसलिए है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं सर उस सवाल का जवाब दीजिए, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट की डिबेट होती है। ग्लोबल टेंडर अगर प्रदेशों के साथ विदेशी कंपनियां नहीं कर रही, क्या केंद्र सरकार को मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए या टेंडर केंद्र सरकार को नहीं निकालने चाहिए? आपको जब बताया तो आपने कहा भविष्य की बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे पुनः दोहरा रहा हूँ कि जुलाई में लगभग 8 कंपनियां आ जाएगी और जुलाई से काफी स्थिति वैक्सीन की सुधर जाएगी। जी फिर वही बात सर, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि राजस्थान या और अन्य प्रदेशों के ग्लोबल टेंडर अगर विदेशी कंपनियों के साथ नहीं हो रहे, केंद्र सरकार मध्यस्थता क्यों नहीं कर रही? केंद्र सरकार अपने स्तर पर जो भी कदम है निश्चित रूप से उठा रही होगी और उसके परिणाम भी आपके सामने आएंगे। ठीक है सर, अभी तक तो आए नहीं है। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी मेरे साथ हैं। आरसी चौधरी जी, 1900 वेंटिलेटर कब आए, कितने इंस्टॉल अभी तक किए गए और जो इंस्टॉल नहीं किए गए वो क्यों नहीं किए गए? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और इस प्रदेश की जनता को ये जानने का हक होना ही चाहिए कि जिस पीएम केयर फंड की स्थापना 27 मार्च को कर दी गई थी और प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 2016 को कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन विद ट्रांसपेरेंसी, निश्चित रूप से वो पीएम केयर फंड का हिसाब तो नहीं दे सके, लेकिन जो वेंटिलेटर्स आए, अपने पैनल में डॉक्टर भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन मैं उनकी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इन्होंने अगवा कंपनी को दिया जिसे कभी भी एग्वा कंपनी ने यहाँ पे सप्लाई की, जिसको कभी भी वेंटिलेटर बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, 1,60,000 रुपये में वेंटिलेटर सप्लाई की गई। दूसरी कंपनी के जो वेंटिलेटर आते हैं वो 8.5 लाख रुपये के भी आते हैं। इनका जो स्पेसिफिकेशन जो इन्होंने निकाला अलग अलग कंपनीज के लिए, वो भी उन्होंने एक स्पेसिफिकेशन निकाला, लेकिन जो रेट का जो वेरिएशन है वो किस हिसाब से है। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारत इलेक्ट्रिकल्स जो सबसे अच्छी कंपनी है जी, वो आगे सबलेट कर देती है और सबलेट करने के बाद में जो इंजीनियर्स जिनका 5 आप हवाला दे रहे हैं वो भी उन तमाम जो शिकायतें हैं उनको ठीक नहीं कर पाते हैं। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर सारी जानकारी मैं अपने दर्शकों को पहले ही दे चुका हूं और ग्राफिक्स के जरिए मैं सारी जानकारी दे रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर 1500 वेंटिलेटर अभी तक इंस्टॉल नहीं किए गए बीते 8 महीने के अंदर, तो किया क्या गया? कबाड़ में बेच देते, राजस्व का पैसा आता उसको कहीं यूज कर लेते। 8 महीने में नहीं, ये विजेंद्र जी, ये जो वेंटिलेटर्स आने स्टार्ट हुए वो नवंबर लास्ट में आने स्टार्ट हुए और अभी मार्च तक ये वेंटिलेटर्स आते रहे। वेंटिलेटर्स की हम बार बार कहते रहे, आप जो बात कर रहे हैं, जो तथ्य रख रहे हैं, उनके अंदर मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से हमने कंपनी को बुलाना चाहा, कंपनी से इंस्टॉल कराना चाहा, ऑक्सीजन का जो उसके साथ में अटैचमेंट होता है वो तमाम जो चीजें थी उसमें कहीं ना कहीं अगर किसी भी चीज को खोलते हैं, अगर 1,07,08,00,000 की अगर मशीनरी को खोलेंगे तो वो तो उसके इंजीनियर की प्रेजेंस में ही तो खोला जाएगा ना। हम अकेले अगर खोल देंगे तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको ध्यान होगा अभी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया था कि राजस्थान सरकार के पास जो एक्स्ट्रा वेंटिलेटर पड़े हैं कलेक्टर की सहमति से वो निजी अस्पतालों को दे दिया जाए, मुफ्त में दे दिया जाए। निजी अस्पताल उन्हीं वेंटिलेटर को चला सकते हैं, राजस्थान सरकार नहीं चला सकती, ऐसा क्यों? भरतपुर के अंदर वही वेंटिलेटर
प्राइवेट अस्पताल में चल सकते हैं, कोविड की जो बीमारी राजस्थान सरकार नहीं चला सकती, ऐसा क्यों? इसके अंदर हाँ मैं जवाब दे देता हूँ आपका, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की जनता को जानना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर सरकारी अस्पतालों के साथ साथ में हमने निजी अस्पतालों को साथ में एफिलिएटेड करके उसकी लड़ाई को लड़ा। निजी अस्पतालों को हमने ऑक्सीजन दी, निजी अस्पतालों को हमने दवाइयां दी, निजी अस्पतालों को हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए। तो निजी अस्पताल अगर वहां पे हमारे पास में अगर हमारे पास वेंटिलेटर है और अगर उनके पास में टेक्नीशियंस हैं और हमें यूज कर सकते हैं तो किसी जगह पे यूज करने पे मुझे लगता है बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। तो मुझे बताइए जब आप प्राइवेट एम्बुलेंस को सरकार के अधिकृत कर सकते हैं, क्या उन टेक्नीशियन के जरिए इन वेंटिलेटर को इंस्टॉल नहीं करा सकते? इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ देखा जाएगा निश्चित रूप से। जब अगर एक बार इंस्टॉल हो जाए, मैं कह रहा हूं कि अगर एक बार इंस्टॉल हो जाता है, अगर कंपनी आपको हैंड ओवर कर देती है तो निश्चित रूप से हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब तक अगर कंपनी निजी अस्पतालों को आप देने वाले थे वेंटिलेटर, उसके लिए पहले वो कंपनी के बंदे आते हैं, निजी अस्पताल में इंस्टॉल करते, फिर आप वो यूज करते। सर क्या जवाब दे रहे हैं? वापस मैं आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी देखिए, तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन महत्वपूर्ण मुद्दों के अंदर मैं ये चाहता हूं कि आप ये पूरे तरीके से स्पष्ट करें, राज्य की भूमिका क्या है, केंद्र की भूमिका क्या है। लोग कंफ्यूज है भयंकर तरीके से, कोई केंद्र को आरोपित कर रहा है, कोई राज्य सरकारों को आरोपित कर रहा है। देखिए विजेंद्र, जहां तक वेंटिलेटर का सवाल है, यह सीधी सी बात है कि 1500 वेंटिलेटर एक बहुत बड़ी संख्या है जो राजस्थान में पीएम केयर्स फंड से भेजे गए, लेकिन यह खरीद यदि राज्य के स्तर पर की जाती, ठीक है, पीएम केयर फंड का पैसा राजस्थान को दिया जाता तो जो आज ये तकनीकी बातें उठ रही है वो शायद नहीं उठती। और पूरे देश के लिए एक साथ खरीद करके और वो अलग अलग राज्यों में भेजना, तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इसमें मैं समझता हूँ कि कोई बुद्धिमानी नहीं है। उनको राज्य स्तर पर खरीदारी करनी चाहिए थी, राज्य स्तर पर पैसे अलॉट होते, यहाँ से खरीदारी होती, जो ये मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है जी वो उसको सुलझा लिया जाता। अब ये कह रहे हैं कि कंपनी, दो कंपनी, चार कंपनियों को अधिकृत कर दिया जाता, रेट डिसाइड कर दिया जाता, राज्य सरकारों को पैसे दे दिए जाते और वो वेंटिलेटर खरीद लेते निश्चित रूप से। दूसरा, यहां पर जब वेंटिलेटर आ गए तो जो बात हो रही है कोरोना को लेकर लापरवाही बेपरवाही की, वो केंद्र सरकार के स्तर पर हो या राज्य सरकार के स्तर पर हो, जब हमको ध्यान है कि जब सितंबर अक्टूबर के बाद प्रथम लहर का पीक आया और जब धीरे धीरे उसकी संख्या नीचे आने लगी तो उसी समय पर यह तय हो गया था जी कि जिस वजह से जो लहर नीचे आई तो सारे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तो कोरोना चला गया तरह की घोषणा की, लेकिन उससे लापरवाही हर स्तर पर आई, थके हुए स्वास्थ्य विभाग में भी लापरवाही आई और जो वेंटिलेटर आए उनकी तरफ शायद ध्यान नहीं दिया गया जी। जो बाद में जब कोरोना के पेशेंट बढ़े तो उन वेंटिलेटर्स का ध्यान आया और उस समय जो सारी उनकी जो टेक्निकल समस्याएं थी उनको एस्टेब्लिश करने की और वो सब चीजें बाद में ध्यान में दी गई। लेकिन तीसरी बात, सच्चाई तो ये सच्चाई तो सर ये भी है कि एक महीने से हम इन्हीं आरोपों को देख रहे हैं, वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं, इस चीज की समस्या आ रही है। अगर एक महीने के अंदर भी चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार समस्या को सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा तो फिर मैं कैसे मानूं कि जनता के लिए सब जिम्मेदार है? बिल्कुल, इसमें यह होना चाहिए था कि आप ठीक है वहां के इंजीनियर हैं, 11 इंजीनियर लगाए, सबलेट कर दिया गया, किस तरह की कंपनियों को सबलेट किया, उनको खुद को ट्रेनिंग नहीं थी, जिस तरह की बात सामने आ रही है कि एक वो बिल्कुल हाई क्वालिटी के और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेंटिलेटर हैं लेकिन उनकी ट्रेनिंग ही उनको नहीं मिली तो उनको चलाना एक महीने 15 दिन में यह संभव नहीं है। जब 5 इंजीनियर कहीं से सबलेट कर दिया, उनको मेंटेनेंस का ठेका, उनको भी ट्रेनिंग ने है कि नहीं, यह भी एक जांच का विषय है। अच्छा, एक और सवाल, 7 दिन करीब ग्लोबल टेंडर पर मैं आऊंगा सर, बड़ी फजीहत हो रही है ग्लोबल टेंडर को लेकर। सरकारें बार बार विदेशी कंपनियों से डील करने की कोशिश करें, वहां से 2% जवाब आता है कि हम आपके साथ डील नहीं करेंगे, हम केंद्र के साथ डील करेंगे, हम भारत के साथ डील करेंगे। राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, खेतों में थोड़ी ना वैक्सीन उगाएगी सर। क्या आपको लगता नहीं कि केंद्र सरकार को भूमिका निभानी चाहिए, कुछ ना करे कम से कम मध्यस्थता ही कर ले? निश्चित रूप से, जो ग्लोबल टेंडर राज्यों पर करने के लिए, राज्यों के भरोसे 18+ का जो वैक्सीनेशन छोड़ा है, ये कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट्स में संवाद की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। यदि इस तरह का कोई कदम उठाना था, देखिए पैंडेमिक है, पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है जी। और प्रधानमंत्री बार बार मुख्यमंत्रियों से और सबसे वीसी से बात करते हैं तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जबकि कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के अलावा कोई इस समस्या का उपचार नहीं है, तो वैक्सीनेशन राज्यों पर
छोड़ने का अचानक फैसला करने के बजाय सब मुख्यमंत्रियों को इसमें एक बैठक करके बातचीत करके होना चाहिए था, यहां तक कि सर्वदलीय बैठक करके इस बारे में एक बड़ा निर्णय था, लेकिन 18 प्लस के टीके को लेकर इस तरह से नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं विजेंद्र कि जो फेज मैनर में वैक्सीनेशन हुआ, पहले 60 प्लस को जो इसमें शुरू किया गया, मेरे ख्याल से उसमें अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। 45 प्लस का शुरू किया गया उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब से ये 18 प्लस का खुला है और जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उसको लेके सारा केओस हुआ है, और उसी वजह से आज ये ग्लोबल टेंडर का मामला राज्यों पर छोड़ दिया गया। 9 राज्यों ने इसका ग्लोबल टेंडर किया, लेकिन अभी तक एक भी जगह पर कोई इस तरह का कोई पॉजिटिव संकेत नहीं आया है। सर, पॉजिटिव संकेत कैसे आएगा? अगर टेक्निकल में बात करूं, आप सिर्फ 3 वैक्सीन खरीद सकते हैं, या तो कोविशील्ड खरीदेंगे, कोवैक्सीन खरीदेंगे, या स्पुतनिक खरीदेंगे। चौथी वैक्सीन आप भारत में ला ही नहीं सकते, आईसीएमआर से अप्रूवल ही नहीं है, उसको इमरजेंसी ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में राज्य सरकारें लाएंगी कहां से वैक्सीन? राज्य सरकार, वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, आऊंगा। जोधपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएस राठौड़ जी हमारे साथ हैं। एसएस राठौड़ जी, दो सवाल सर आपसे हैं। पहला सवाल तो ये कि जोधपुर संभाग के अंदर पीएम केयर फंड से कितने वेंटिलेटर पहुंचे, कितने इस वक्त फिजिबल एक्टिव मोड में है, और कितने अभी तक पैकिंग के अंदर बंद है। दूसरा सवाल सर, कितना वैक्सीन अभी तक हो चला है, और प्रतिदिन कितनी वैक्सीन लग रही है, और कितनी किल्लत महसूस हो रही है? हमारे यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज में 120 वेंटिलेटर्स हमको दिए गए थे, उसमें से 26 वर्किंग है अभी। इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर आए हुए हैं। इससे पहले जब वार्ता हुई थी तब हमारे पास 18 वर्किंग थे, 8 उन्होंने रिपेयर कर दिए हैं, और वो अभी सर्विस इंजीनियर कोशिश कर रहे हैं बाकी रिपेयर करने के लिए। एक्सेसरीज का भी इश्यूज आ रहा है, और जो वैक्सीनेशन के बारे में बताया है वो ये है कि 8,63,919 लोगों को वैक्सीनेशन लग गया है, जो कि एलिजिबल जो वैक्सीनेशन है हमारी है वो ये पॉपुलेशन वो 27 लाख है, वो इसका मतलब है कि हमने 33% वैक्सीनेशन टारगेट अचीव कर लिया एलिजिबल पॉपुलेशन का। और हमारे यहाँ जो 45 प्लस एज ग्रुप है उसमें कोई इशू नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल है और वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रही है। 18 प्लस एज में उसमें हमारे पास वैक्सीनेशन की दिक्कत है। सर, आपने कहा कि 120 के आसपास वेंटिलेटर आए, उनमें से 20 ही इस वक्त एक्टिव मोड के अंदर है। मानकर चलूं मैं लगभग 10-15% ही एक्टिव मोड के अंदर है। सर, ये 120 वेंटिलेटर कब तक एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर आपके पहुंचे? यस सर, ये 6 महीने पहले आ गए थे और ये कार्य में लिए गए थे, मगर वो प्रेशर ड्रॉप हो जाता था बार बार, और उसके कारण वो कार्य में ले नहीं पाए जी। आज की तारीख में हम 26 वर्किंग हैं और 26 हम कार्य में ले रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें क्या 120 वेंटिलेटर आते ही आपने खोल के उसके एस्टेब्लिशमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और क्या शुरू हो चुके थे 6 महीने पहले से? हाँ, वो 120 वर्किंग में थे, ले लिए गए थे, इंस्टॉल कर दिए गए थे और कार्य में लिए, मगर उनमें प्रेशर ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही थी, अचानक प्रेशर ड्रॉप हो जाता था, तो उस कारण वो वेंटिलेटर्स बाद में काम में नहीं ले पाए। उनमें से केवल 18 वर्किंग चलते रहे, और अब आज की डेट में सर्विस इंजीनियर ने 8 और रिपेयर कर दिए हैं, तो अब 26 हमारे यहाँ वर्किंग है। आप ये कह रहे हैं सर 120 वेंटिलेटर आए, 120 को इंस्टॉल किया गया, वर्किंग मोड में लाया गया, और अब सिर्फ 26 चल रहे हैं, बाकी नहीं चल रहे हैं। इंजीनियर्स क्या कह रहे हैं सर उनके बारे में, कितने दिन और लगेंगे उनको सही करने में? नहीं चल रहे, वो इंजीनियर लगे हुए हैं, वो टाइम तो नहीं बता पा रहे, पर वो लगे हुए हैं कार्य में। ठीक है सर। मुकेश पारीक जी, सर ये आंकड़ा कुछ महसूस करा रहा है? 10% वेंटिलेटर इस वक्त चल रहे हैं, और वो भी तब जब इंजीनियर ने उनको रिपेयर किया है 120 में से। आंकड़े को समझिए सर। सरकार की कोरोना काल में ये गति देखकर बड़ा दुख होता है। कौन सी सरकार की? 8 महीने बाद तो वो सर, मैं शुक्र मनाऊंगा मुकेश पारीक जी, मैं शुक्र के साथ कहूंगा कि आप बेशक बीजेपी के नेता हैं, लेकिन आपने खुलकर ये कहा कि बीजेपी सरकार की कार्यशैली को लेकर और धीमी रफ्तार को लेकर आपको इस तरीके से अफसोस महसूस हो रहा है कि 120 वेंटिलेटर भेजे और सिर्फ 20 भी नहीं चल रहे। देखिए, आपने सुना डॉक्टर साहब ने कहा कि सिर्फ 26 वेंटिलेटर इन्होंने काम में लिए हैं,
आप एक बात तो पूरी करने दीजिए। अरे सर आपकी बात नहीं सुनी है, यही तो दिक्कत है, आधी आधी अधूरी बात सुनते हैं। उन्होंने कहा कि 120 के 120 इस्तेमाल किए गए। देखिए आपको अपनी बात कहनी है तो हम सुन लेते हैं। सर मैं डॉक्टर साहब से दोबारा सुनवा देता हूँ, रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। एस एस राठौड़ साहब सर एक बार फिर क्लियर कीजिए, बीजेपी के नेता मुकेश पारिक जी हैं, मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ। 120 वेंटिलेटर है सर, शुरुआत में 120 को ही चालू किया आपने। हमें मुकेश पारिक जी सुन लीजिए, वो yes, बता रहे हैं हमने 120 को इंस्टॉल किया, कार्य में लिया, मगर वो चले नहीं और आज की तारीख में केवल 26 वर्किंग में है वो। विजेंद्र जी आपसे भी ये सवाल करिए कि उनको कब आते ही कार्य में लगा दिए गए थे, 120 इंस्टॉल कर दिए गए थे जी। आए कब? ऐसा है, देखिए इसमें फेल्यूर है राजस्थान सरकार का। मुकेश पारिक जी, मुकेश पारिक जी, ऐसा है सर, ऐसा है, भटकाइए नहीं चीजों को। डिस्ट्रीब्यूशन जो किया उनको हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल नहीं किया, और जिनको इंस्टॉल किया उनको चेक ढंग से नहीं किया। आप कैसी बात कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाला चला रहा है उस वेंटिलेटर को और सरकारी हॉस्पिटल नहीं चला रहे। कुछ पूछना चाह रहे, पूछ लीजिए सर। राजस्थान सरकार ने 1900 वेंटिलेटर का यूज नहीं करके प्रदेश की जनता के साथ एक अन्याय किया। सर मैं मान रहा हूँ कि अच्छा हुआ इस्तेमाल नहीं किया, लोगों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। मुकेश जी मैं आपसे सीधी बात पूछना चाहता हूँ कि आप इस समय पर ये बचाव कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, कहीं राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो नेता प्रतिपक्ष आपके नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने राज्य सरकार के बजाय इस पूरे मामले की जांच के लिए और इस तरह से क्यों भेजे गए और क्या हुआ इसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, तो ये अपने आप में स्वीकारोक्ति है कि राज्य सरकार से शिकायत नहीं है। इस तरह के फॉल्टी वेंटिलेटर्स हैं या जो मिसमैनेजमेंट इसमें हुआ है वो क्यों खरीदे गए, और दूसरी बात इस तरह की शिकायत है केवल राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के अलावा पंजाब और महाराष्ट्र में भी इस तरह की शिकायत है, और प्रधानमंत्री, अरे आपके प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है, इस बात को स्वीकार किया है कि इस मामले का ऑडिट करवाया जाएगा। तो आप तो इस बात को बताइए ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे चला रहे हैं उस वेंटिलेटर को। भाई प्रधानमंत्री ने आपके प्रधान 1900 वेंटिलेटर में 19 वेंटिलेटर खराब आ सकते हैं, 1800। अच्छा मुझे एक बात बताइए मुकेश पारिक, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इसका ऑडिट कराएंगे। मुकेश पारिक जी आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर एसएस राठौड़ झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, ये इंस्टॉल कब हुए, मैं मेरा प्रश्न आपने नहीं सुना, इन्होंने कब इंस्टॉल किए जो? अरे वो कह रहे हैं सर कि आते ही इंस्टॉल कर दिए। आए कब? आप 6 महीने पहले आए सर। इनके पास कब आए? 6 महीने पहले आए सर, डिबेट में तो रहिए कम से कम। नहीं बिल्कुल डिबेट में इनके इनके पास 6 महीने पहले आए जोधपुर में, जयपुर से। देखिए भटकाइए नहीं चीजों को, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं मुकेश पारिक जी, इस वेंटिलेटर के मुद्दे को कब तक सोल्व करेगी केंद्र सरकार, कैसे ही जिम्मेदारी निभाइए? दोनों ऑप्शन है, या तो कहिए वेंटिलेटर खराब, या कहिए कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दोनों अधिकार हैं केंद्र सरकार के पास। नहीं विजेंद्र जी एक मेरे को आप जवाब दीजिए, आप ही की बात का कि राजस्थान सरकार को ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए, अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि सरकारों को पैसा देना चाहिए था, अगर ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसा दिया उनका क्या किया राजस्थान सरकार? मैं तो ये कह रहा हूँ कोई गिल्टी है तो कार्रवाई कीजिए ना, जवाब मांगिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपको। अच्छा मुझे अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, अंतिम सवाल का जवाब दीजिए सर, क्या ग्लोबल टेंडर के अंदर केंद्र सरकार भूमिका निभाएगा, मध्यस्थता करेगा? निश्चित रूप से जुलाई में वैक्सीन की और मात्रा तेजी से बढ़ेगी, और मतलब आप ये कह रहे हैं कि जून और अभी किल्लत सहन करनी है, कारण केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मुकेश जी वैक्सीनेशन की सप्लाई है। मुकेश जी क्या प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र सरकार से मांग करेगी कि ग्लोबल टेंडर का मामला अपने हाथ में ले, क्योंकि राज्य सरकारों से नहीं हो रहा है? एक मिनट आप थोड़ा रिपीट करेंगे, आपने क्या कहा? आशुतोष जी कह रहे हैं कि क्या विपक्ष में बैठी बीजेपी ये मांग करेगी कि राजस्थान में किल्लत है, ग्लोबल टेंडर केंद्र के जरिए कर लिया जाए, ये मांग की जाएगी? हमारे सांसद अभी आपने देखा लोकसभा अध्यक्ष स्वयं और हमारे सारे सांसद इस बात के लिए चिंतित है, और हमारी जो प्रतिबद्धता है हम जानते हैं राजस्थान की जनता के लिए। सर चिताएं जल रही हैं, आप चिंता से काम चला रहे हैं, अफसोस होता है। ठीक है आरसी चौधरी जी फाइनल कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं सर, बड़े जोर शोर से कहा गया था कि आप खोल दीजिए, राज्य सरकारों को पावर दे दीजिए, हम अपने हिसाब से काम कर लेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार के जरिए हो।
विजेंद्र जी, जिन कंपनियों से राज्यों ने संपर्क किया उन कंपनियों ने यह कहा कि हम केंद्र के द्वारा टेंडर करना चाहेंगे, क्योंकि अगर केंद्र के द्वारा करेंगे तो हमें ज्यादा बड़ा मार्केट मिलेगा और जो केंद्र की जो सरकार है वो जो कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे हिंदुस्तान के अंदर अगर उन्हें अपनी वैक्सीन को यूज करना है तो उन्हें किस प्रकार का वेवर चाहिए ये केंद्र सरकार ही दे सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्लोबल टेंडर के साथ साथ में बायोलॉजिकल ई कंपनी है वो ये कह रही है केंद्र की सरकार को, उसने पत्र लिखा कि हमें आर्थिक मदद कीजिए, अगर आर्थिक मदद करेंगे तो हम दिसंबर तक 30 करोड़ डोज तैयार कर सकते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी 100 करोड़ डोज तैयार करेगी। आरसी चौधरी जी, मुझे ये बताइए कि जब सरकारें ग्लोबल टेंडर निकाल रही थी क्या उस दौरान यह जानकारी नहीं थी कि चाहे वो मॉडर्ना हो या बाकी कंपनियां हो, उनको आईसीएमआर से अप्रूवल ही नहीं, देश के अंदर वैक्सीन कहां से आएगी, टेंडर किसके लिए निकाला गया? कंपनी जो प्रोडक्शन कर सकती है तो फॉर्मूले को डिसेंट्रलाइज कीजिए। ऐसा है चौधरी जी, आप भूल गए। अगर हमें मिल पाता, हमने कंपनी को अप्रोच किया, हमने बहुत सी कंपनियों को अप्रोच किया, लेकिन राहुल गांधी ने और अरविंद केजरीवाल ने मिले, उन्हें सेफ्टी मिले, उन्हें लीगल असिस्ट मिले, तो तमाम जो चीजें, हम संघीय ढांचे के अंदर रहते हैं, अगर देश के अंदर कोई भी आना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तमाम जो रूल और रेगुलेशन है वो केंद्र की सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं। कि जो चाहते हैं हमारा जो कोलिब्रेशन है, हमारा जो टेंडरिंग है वो उसके साथ में हो, पावर ही तो दी गई। फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा। नहीं, हमने तो कहा ना, हमने कहा कि अगर राज्य नहीं खरीद सकता, राज्य पैसे देने के लिए तैयार है, राज्य ने पैसा दिया जी, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही। ठीक है, फाइनल कमेंट। और आज भी नियंत्रण है को जिम्मेदारी के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कि अलग अलग प्रदेश हो सकते हैं लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो फिर एक भारत नजर आता है जिसके प्रधानमंत्री है, जिसके केंद्र में सरकार है। देखिए विजेंद्र जी, इस मामले में निश्चित रूप से तत्काल ये पूरा जो वैक्सीनेशन इंपोर्ट का मामला है, ग्लोबल टेंडर का मामला है, और केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। इससे राज्यों को भी राहत मिलेगी और केंद्र सरकार इसको अच्छे से मैनेज कर सकेगी। लेकिन मैं चौधरी जी को जरूर ये बात पूछूंगा कि आप भूल गए होंगे कि राहुल गांधी ने ट्वीट किए थे, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किए थे कि सब कुछ केंद्र सरकार करेगी, राज्यों को अपने आप खरीदने दीजिए, अपने आप करने दीजिए। उस मांग को करते समय ये ध्यान नहीं दिया गया कि राज्य सरकार इस मामले को हैंडल नहीं कर सकती। सर, उस समय पर दबाव रखा गया। कहा तो ये भी जा रहे कि केंद्र ने जो राज्यों को पावर दे दी गई उसके पीछे भी एक राजनीतिक मुद्दा था। शुक्रिया राजनीतिक दबाव का, शुक्रिया आरसी चौधरी जी, मुकेश पारिक जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ, राठौर जी आपका भी शुक्रिया, आशुतोष जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सियासत एक वक्त तक हो सकती है, एक लिमिट तक हो सकती है, लेकिन जब बात जनता की जिंदगी पर आ पड़ी है तो इस सियासत से ऊपर उठकर संजीदगी के साथ वो फैसले लेने चाहिए जिसको देश को फायदा हो, क्योंकि प्रदेश देश के अंडर आते हैं। अगर देश को फायदा होगा, प्रदेश अपने आप लाभान्वित हो जाएगा। नमस्कार।